ये राम राम सर ने आज भाई आपको दिखाने वाले कुछ अलग ही ट्रैक्टर भाई हैं। कौन से ट्रैक्टर हैं, क्या नाम है, कहाँ से हैं भाई, सारी बात इनसे पूछने वाले हैं जो यहाँ पे सेल्स में भाई, उनसे बात करेंगे। ये दो ट्रैक्टर आए हुए हैं यहाँ पे, इनकी कौन से ट्रैक्टर हैं, कितने एचपी के ट्रैक्टर हैं, क्या हिसाब से क्या सिस्टम है। तो राम राम भाई साहब। हाँ तो भाई साहब थोड़ा बाहर आ जाइए, दो एक मिनट बात कर लें आप तक ही में। भाई साहब बताओ कौन सी कंपनी है, किसी ने बेरा कौन इसके बारे में इतना। डिवीजन कंपनी है जी, ठीक है। ये एग्री किंग की जो कंपनी है, ये हिमाचल प्रदेश में अपना ट्रैक्टर बनता है, ठीक है। इसके अंदर ये 40 एचपी से लेके अभी तक 60 एचपी में लॉन्च कर रही है अपने ट्रैक्टर। हरियाणा में अभी 2 महीने पहले ये ट्रैक्टर लॉन्च किए गए, जो एग्री किंग है इतने 2 महीने पहले ही आपका हरियाणा में ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। इसके अंदर ये 2 मॉडल है हमारे पास अभी, 1 AT 54 और 20 55 जो फ्रंट में आपके, ठीक है। दोनों ही 50 एचपी का ट्रैक्टर है, किर्लोस्कर इंजन है, ठीक है। 3120 सीसी का इंजन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, ठीक है। इसके अंदर बोस का इनलाइन पंप आता है। इन दोनों ट्रैक्टरों में डिफरेंस क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफली जो सामने वाला हमारा 20 55 मॉडल है, उसके अंदर सबसे पहले जो 20 55 मॉडल है हमारा, इसके अंदर 24 गियर मिलते हैं, जिसमें 16 आगे के और 8 पीछे के गियर मिलेंगे, ठीक है। ए बी सी डी के अंदर ये जो है ट्रैक्टर है। उसके बाद इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लच दिया गया है, जैसे हमारे आम ट्रैक्टर में दोनों ही जो क्लच होती हैं वो पैडल के अंदर मिलती हैं, इसमें सिर्फ आपको पैडल के अंदर एक ही क्लच मिलेगी जो कि ट्रैक्टर की मूवमेंट को डिसाइड करती है। सेकेंडली इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लच दिया गया है दूसरा, जो कि हमारा पीटीओ को ताकत देता है, जिससे हम पीटीओ चलाते हैं। इसके अंदर जो ट्रैक्टर की पीटीओ पावर है वो 46.8 एचपी है, जो कि 50 एचपी का खुद ट्रैक्टर होने के बावजूद भी इसकी पीटीओ पावर है जो हाईएस्टली अपनी क्षमता के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इस ट्रैक्टर के अंदर जो पीछे लिफ्ट सेंसिंग दी गई है वो काम आती है हमारे, जैसे अलग अलग इम्प्लीमेंट आज के दिन यूज़ करने पड़ते हैं हमें, तो अलग अलग इम्प्लीमेंट के लिए अलग अलग ही जो है सेंसिंग को यूज़ किया जाता है, जैसे हम एमबी प्लाउ, बिल्कुल सेंसिंग के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इनका क्या यूज होता है, जैसे हम रूटावेटर यूज करते हैं तो इसको पोजीशन में डाउन रखना पड़ता है, अगर इसके बाद हम एमबी प्लाउ यूज करेंगे तो इस पोजीशन को आपको अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब एमबी प्लाउ हम यूज करते हैं तो उसको सोइल के अंदर गहराई ज्यादा लेनी पड़ती है, तो ट्रैक्टर जैसे अपने आप इसको सेंसिंग करता रहेगा, अगर लोड पड़ता है ट्रैक्टर पे तो अपने आप सेंसिंग होके वो मूवमेंट चलती रहेगी, ठीक है। तीसरा, इसके अंदर ट्रैक्टर के अंदर क्या दिया गया है कि आपका जो डंफर यूज करते हैं, जो किसान जमींदार भाई हैं वो डंफर यूज करते हैं, उसके अंदर आपको डंफर का जो ऑयल दिया गया है वो अलग से दिया गया है। अगर अलग अलग डंफर यूज करने पर ट्रैक्टर के खुद का जो तेल है वो खराब हो जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने क्या किया, इसको जो डंफर वाला ऑयल है वो सेपरेट कर दिया गया है, कि हमारा जमींदार का जो है ट्रैक्टर का ऑयल खराब ना होके इस टैंक में जो ऑयल आता है वही डैमेज हो, ताकि इसका जो है बाद में एक्सपेंस जो है जमींदार को कम से कम हो। इस ट्रैक्टर की वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है 1800 kg, यानी कि 18 क्विंटल का ये जो है लोड अपने ऊपर उठा सकता है। ट्रैक्टर के जो पीछे के टायर हैं ये 14/9/28 और 16/9/28 दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। फ्रंट में इसके 7/50/16 का टायर मिलेगा। इसके साथ साथ इस ट्रैक्टर में एक टेक्नोलॉजी और डिफरेंस दिया गया है, इसके जो अंदर होती है यहाँ से हमें एक्सल को डबल सील दिया गया है, ताकि जब जमींदार इसके अंदर जब गार्ड लगाता है धान लगाने के लिए तो इसमें पानी नहीं जाता, तो उसकी वजह से इसका एक्सपेंस कम हो जाता है। भाई ये कि जैसे आप बोल रहे हो कि हिमाचल की आपकी कंपनी है, तो लोग इस बारे में इतना पता नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो मन में एक डर है यार स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे सर। इसके अंदर फर्स्टली सबसे पहले इसके अंदर किर्लोस्कर इंजन है, जो कि हमारा इंडिया का बहुत पुराना इंजन है, ठीक है। किर्लोस्कर के इंजन का आप कोई भी सामान कहीं भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है। ये फर्स्ट ये इंजन जो है, ऐसा नहीं कि हमने पहली बार लगाया, पहले ये अलग अलग कंपनियां इसको यूज करती थी, अब हमारी कंपनी इस इंजन को यूज कर रही है किर्लोस्कर के लिए, ठीक है। तो सामान की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा, बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे, बिल्कुल कहीं भी आप ले सकते हो किर्लोस्कर इंजन। हिसार में आए हो जी, तो आपकी कोई डीलरशिप भी है हिसार में क्या? नहीं सर, हिसार में हरियाणा में आपकी एक ही डीलरशिप है, जो नजदीकी मुंडहाल जिला भिवानी के अंदर है। मुंडहाल के अंदर इसकी मिलेगी डीलरशिप आपको, जो ट्रैक्टर की? जी बिल्कुल। उसके बारे में बताओ, आपने इस बारे में बढ़िया बातें बताई हैं, इसके बारे में बताओ भैया। इंजन तो सेम है सब जी? बिल्कुल इंजन सेम है, दोनों ही ट्रैक्टर 50 एचपी के। इसमें पहला डिफरेंस क्या है, इसके अंदर 20 गियर मिलेंगे, उसमें 24 गियर हैं, इसमें 16 आगे के और 8 रिवर्स के मिलेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल महंगा। कितने प्राइस में? वो लगभग आपको पड़ता है कि 7,20,000 के अंदर, ये 6.5 लाख रुपए का।
तीसरा इसके अंदर जो डिफरेंस है वही है कि हमारा इसके अंदर जो दिया गया है डंपर वाला जो टैंक वो अलग से नहीं दिया गया, इसमें इनबिल्ड है। अच्छा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है सर दोनों ट्रैक्टर जी, बस इतना फर्क, बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों बढ़िया है जी, बिल्कुल किर्लोस्कर के इंजन है जी, किर्लोस्कर इंजन है सर। जो कस्टमर है इनता बात कर रहा है, राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी, कहाँ से है भाई साहब? भाई जिंदा जिंदा है, जिंदा है। किसा लग गया ये ट्रैक्टर भाई? ट्रैक्टर बढ़िया लग गया, पहली बार देखा है तो इसकी जानकारी जुटावांगे तो फिर बतावांगे बरतांगे जब मेरा लगेगा किस अक्ष है। आपने पहली बार देखा तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था ट्रैक्टर को देखते ही? हमेशा लग गया छोटा जमींदार ने देखे बहुत बढ़िया है, जो पहला ट्रैक्टर आ रहा उसी हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो एक फार्मर ने देखा तो बहुत बढ़िया चीज है, ये भी इसकी जानकारी जुटावा फिर बतावा। आप तो स्वराज ले रहे हैं भाई, 855। वो तेल बहुत पिया कर के नुको है ना भाई? तेल ताल तो वही है, के फर्क पड़ा है जब चलाना है क्या है? क्या बात, बस हम कुछ ना बोले तेल कितना पियूंगे आजकल रेट के काफी हाई हो रहे हैं। ऐसा है कि डीजल का जो एक्सपेंस है अदर कंपनी के मुकाबले ट्रैक्टर जो हमारा है डीजल एक्सपेंस कम है इसका। अगर आप रूटावेटर की बात करते हैं, अगर हार्ड सोइल होगी, हार्ड सोइल के अंदर ये 5 लीटर प्रति एकड़ की जो इसका एक्सपेंस है, ठीक है सर। अगर हम जैसे हरो की बात करते हैं, कल्टीवेशन की यूज करते हैं, हार्ड सोइल के अंदर इसका जो हरो का है वो 2.5 लीटर प्रति एकड़ है और जो कल्टीवेशन का है वो आपका 2.25 लीटर प्रति एकड़ है। यही एक्सपेंस है सर। फीडबैक क्या है अभी आपके पास? सर अभी इसको 2 महीने हुए हैं इस ट्रैक्टर को हरियाणा में लॉन्च हुए, अभी ये ट्रैक्टर कुछ भी मात्रा में सेल हुए हैं। अब जैसे जैसे उनका रिव्यू आता जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। क्या बात, हरियाणा में कितने दिन लिए आपने ट्रैक्टर? सर हरियाणा में इनके 4 ट्रैक्टर सेल हुए हैं। बताओगे सर? ये निजी जानकारी होती है। अच्छा। वो आपको नहीं दे पाएंगे, वो डीलर के पास ही होती है सर। अच्छा। वो हमारे पास भी जानकारी नहीं है। कंपनी से आए हो? जी मैं कंपनी से हूँ, मैं इस ट्रैक्टर का डेमोस्ट्रेटर हूँ। अच्छा, वैसे कहाँ से आप? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट भिवानी सर, गाँव तालू। अच्छा, थैंक यू भैया टाइम जी आपने। तो आपको भाई क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके भाइयों क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है।